साशा के लिए मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है. वैसे मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखती रहती हूँ मैं. थैंक यू मैम. तो पता चला कि साशा बहुत सारी चीज़ें करती रहती है. कभी वो एक्टिंग करती है, कभी वो डांस करती है. अभी भी वो गाना गा रही थी तो एक्टिंग कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था. लेकिन एक बात कहूँ जी, अब मैं जो कहूँगी वो आप करोगे? ओके. अच्छा, तो एक गाना है, दैया रे दैया मैं कहाँ फंसी. ओहो जी, वो करके दिखा दो. ओके ओके मैम, प्लीज आप भी जॉइन करो ना. आप आ जाओ हमको लेने. तो न आवे हसी, पापे बचा लो तसी. दैया ये मैं कहाँ फसी, हरे फसी कैसी फसी. तो न आवे हसी, पापे बचा लो तसी. थैंक यू सो मच मैम. आशा जी के लिए जोरदार तालियां. बहुत सुन, बहुत सुन. मेरे पास शब्द नहीं है. इतनी छोटी सी लड़की और एक टेक में, और बहुत मुश्किल गाने दोनों लिए इसने. मतलब इजी नहीं था. मुझे याद है कि आए दिन बाहर के गए कि जो अभी इसने गाना गाया, उसके जो आलाप थे वो इतने मुश्किल थे कि कई बार मुझे होता था मेरी सांस नहीं वहाँ तक जाती थी. और इस लड़की ने बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया. परफेक्ट. थैंक यू. वाओ, एज ऑलवेज तुम तो हमारी बिल्कुल रॉक स्टेडी कंटेस्टेंट हो. कभी हिलती नहीं हो अपनी जगह से, चाहे कुछ भी हो जाए. आशा जी आज यहाँ हैं. मैं एक्चुअली, छोटे बच्चे होते हैं ना, ये मुझे वो करने का मन कर रहा है लेकिन मैं कर नहीं सकती अभी. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, आई कांट टेल यू, बिकॉज मैं बचपन से उनकी मैड फैन रही हूँ, अभी भी हूँ. क्या जानू सजन, फिल्म बहारों के सपने. सपने जी. और ये आपकी, राजेश खन्ना सर के साथ आपकी पहली फिल्म थी ये. जी, राजेश खन्ना जी जब पहले आए, मतलब बहारों के सपने उनकी सेकंड फिल्म थी. और वो इंट्रोवर्ट तो पहले से थे जी, किसी से बात करना नहीं, चुपचाप रहना. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोगों ने काम शुरू किया, कटी पतंग, आन मिलो सजना, तो उसके बाद वो ज़रा खुल गए. तो मतलब अच्छी तरह से बात बात करते थे. एक्चुअली मुझसे बहुत डरता था वो. हाँ, क्योंकि क्या था कि उस वक्त उन्होंने जस्ट बिगिन किया था ना, अपनी करियर बिगिन की थी. तो वो मतलब ऐसे सहमे सहमे से रहते थे. एक बार तो वो मुझे देखकर मुंह फेर लिया, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या कर रहा है. तो मैं नो डेट्स. उसके बाद राजेश खन्ना जी को डांट पड़ी जी. तो फिर उसने फ़ोन किया मुझे. नहीं नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था. वो क्या है, मैं आपसे बहुत घबराता हूँ. मैंने कहा मुझसे क्यों घबराते हो भैया. तो ऐसे हुआ था, थोड़ा सा ये झिझक थी उसमें. लेकिन आशा जी, क्या ये बात सच है कि राजेश खन्ना जी की गाड़ियों पे इतनी लड़कियाँ कुछ इस कदर मरती थी कि वो लिपस्टिक के निशान हो जाते थे, और लोग जो बात करते हैं, वो दौर तो आपने देखा है, और आपकी सुपरस्टारडम और उनकी सुपरस्टारडम जब पिक्चरें आती थी, ये जो बातें हम सुनते हैं वो सच था? हाँ बिल्कुल सच था. हम लोग शूटिंग कर रहे थे कटी पतंग की, और वो बोट का गाना था. तो हमारे से शूटिंग नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही राजेश खन्ना ने एंट्री ली, ओहो हो, जो भीड़ और जो हंगामा था उस दिन, तो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी. देन दे हैड टू गेट मोर पुलिस.
तब जाके ये गाना पिक्चराइज हुआ। तो ये बोट वाला गाना कौन सा था आदि, तुम्हें मालूम है? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। मुझे तो ये गाना इस वक्त सबके साथ गाने को दिल कर रहा है, क्योंकि आशा जी यहाँ है, राजेश खन्ना जी की याद में, अलका जी हो जाए, हो जाए। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जिस गली तेरे बारे से जाती ना हो, उस नगर में हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। वो क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जी अलका, बहुत इम्पोर्टेंट काम रह गया है। ओह यस, आर्यनंदा ने दुनिया हिला दी। ये तीनों गाने जो है, अगर आप बैठ के आराम से सुनेंगे तो इसकी लिरिक्स जो है ना, बहुत ही सुंदर है। और ये लास्ट गाना तो कश्मीर में पिक्चराइज किया था, शिकारे के ऊपर, बहुत उम्दा गाना है, वो भी नैयर साहब का गाना है, वेरी नाइस। मिस्टर रिचू कुटन, आई लव यू, ग्रेट सिंगिंग, सोर अच्छे लग रहे थे तुम्हारे। थैंक यू। अकड़ के जितनी बार भी थैंक यू कहोगे, मैं तारीफ करने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम अच्छे हो। जिस तरह से तुम झुकोगे नहीं, मैं सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। यू आर वेरी गुड बेटा, यू आर एक्सीलेंट। और एक जगह पे तुमने ना रफी साहब की जो वो अदा थी, लुट गई जमीन, गुल गया आसमान, जाने मन, वो जो जाने मन तुमने किया था, ओ माय गॉड, वो जो अदा थी जो रफ़ी साहब वाली थी, वो एक छोटे से बच्चे ने एग्जैक्ट कैसे प्रिसाइसली निभाई, ओ माय गॉड। रिचू पुटन, आप जो है दोस्ती नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं है। आप बहुत छोटे हैं, ये तो बहुत बड़े भाई हैं आपके, तो ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं होता है। Yes. इनकी बात तो सुन लो, हमारी नहीं सुनते हो कभी, इनकी तो सुन लो। मैं तो तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तो आज तुम ये कहो कि मैंने माफ कर दिया। आज तो माफ कर दो। जाओ बेटा। रितु मान जा यार। जाओ बेटा। नहीं। रितु मान जाओ। दोस्ती पक्की के नहीं, अब बोलो। माफ कर दे, कोई बात नहीं। रिचू कुटन, ऐसे नहीं करते बेटा, बुरी बात है। अब मैम इतना बोल रही है तो मैं करता हूँ। अरे वाह, तालियां बजाइए प्लीज। आशा जी, आपने तो, you made my day। पर मैं बोल के नहीं बता सकता, मैं गा के सुना। अच्छा, गा के सुना। अच्छा, गा के बताओ। गाना गाओगे ऋतुराज? बन के दोस्त
है तो मैं भी तुम्हें इसी बात का जवाब दे देता हूँ. मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सपेक्ट कर रहा था, तुमने मुझे और गहरा दुश्मन बना दिया है. लेकिन मेरी भी सुन लो. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.